मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ये आपका पार्ट फाइव वीडियो है चैप्टर का। पार्ट फाइव वीडियो में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे है। 9 का हम लोग फर्स्ट और सेकेंड पिछले वीडियो में देख चुके थे, अब इसमें से कुछ और भी डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। जैसे कि इसका 5 नंबर, ठीक है। इसमें करना क्या है कि नीचे दिए गए बहुपदों के सभी शून्य ज्ञात करना है, यानी कि जैसे ये चार घात वाला बहुपद है ना, तो इसके चार शून्य होंगे और सभी ज्ञात करने हैं और उनके शून्य भी कुछ दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ दिए गए हैं इसके दो शून्य और दो और शून्य निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं 5 नंबर को। तो हमारे पास जो बहुपद है पी एक्स बराबर वो कितना है, एक्स का पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x और माइनस का 35। तो यहाँ x का मान 2 दिया है, एक दिया है 2 प्लस रूट 3 और एक दिया है 2 माइनस रूट 3। समझ रहे ना, दो को दिया है शून्य, प्लस माइनस में दिया है ना, तो एक 2 प्लस रूट 3 एक 2 माइनस रूट 3। चलिए इसको एक तरफ लाते हैं, माइनस का 2 और माइनस का रूट 3 बराबर 0। उसी तरह यहाँ भी x माइनस का 2 और प्लस का रूट 3। यहाँ भी देखिए, अब इसमें इससे इंटू कर देते हैं, यानी एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 और फिर इंटू में हो गया एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3। तो देखिए यहाँ पे इस पूरे को ये मान लीजिए और इस रूट 3 को भी, तो ये माइनस बी और ए प्लस बी दिख रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना करेंगे। चलिए यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक। और रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होता है। चलिए यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4x और प्लस का कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया 1, यानी कि एक्स स्क्वायर है ना माइनस 4x प्लस 1 में भाग करना है इससे। तो चलिए भाग करते हैं पहले, तो हमें किससे भाग करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 द्वारा है ना भाग किसको करना है, x का पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस का 26 एक्स स्क्वायर प्लस का 138x है ना और माइनस का 35। चलिए इसको भाग करते हैं, तो भाग करिएगा कितना बार में जाएगा ये, तो इसको ले जाएंगे आप एक्स स्क्वायर बार में। चलिए एक्स स्क्वायर बार में ले जाएंगे, तो x का पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब और प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन बदलेगा, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ से ये घट जाएगा ना, माइनस का 2 एक्स क्यूब और फिर यहाँ आएगा माइनस का 27 एक्स स्क्वायर है ना प्लस का 138x और माइनस का 35। चलिए इसको अब कितना बार में ले जाइएगा, तो माइनस के 2x बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 एक्स क्यूब, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 8 एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x। चलिए साइन बदलते हैं, प्लस माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये दोनों माइनस का, तो यहाँ दोनों माइनस का तो जुड़ जाएगा, माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस का, तो यहाँ भी जुड़ जाएगा ये दोनों, तो 140x और माइनस का 35। कितना बार में ले जाएंगे, तो माइनस के 35 बार में ले जा सकते हैं, तो कितना आएगा, माइनस का 35 एक्स स्क्वायर प्लस का 140x और माइनस का 35। देखिए सबका साइन बदलिए, यहाँ प्लस माइनस प्लस ये सब कट जाएगा ना। चलिए आ गया 0। अब जो भागफल आता है उसी के बराबर बिना 0 रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0, यही ना रखेंगे। चलिए तो बीच वाले को फैक्टर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 5x माइनस का 35 बराबर में 0। देख लीजिए घटेगा तो माइनस का 2x गुना होगा तो माइनस 35x स्क्वायर आ जाएगा ना। चलिए फैक्टर कर दीजिए, यहाँ से x कॉमन करिएगा तो x माइनस 7 बचेगा, यहाँ प्लस 5 कॉमन करिएगा तो x माइनस 7 बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, तो x माइनस 7 को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा x और यहाँ बच जाएगा 5। अब चलिए अलग अलग कर दीजिए, x माइनस 7 बराबर, x माइनस 7 बराबर हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 7 और एक x बराबर क्या आ गया, माइनस का 5। इसलिए अभीष्ट अभीष्ट शून्य जो हमें निकालने थे, अभीष्ट शून्य क्या क्या हो गया, तो दो पहले दिया है 2 प्लस रूट 3, एक दिया है 2 माइनस रूट 3 है ना, और फिर आपका एक आ गया 7 और एक तथा माइनस का 5, ये इसके चार शून्य हो गए। उसी तरह इसका एक 7 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 6 तो